हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्रिंस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूवीज़ जो आज के समय में एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, क्योंकि मूवीज़ में ज़्यादातर वो दिखाया जाता है जो हम सोचते हैं। मूवीज़ मेकर उन चीज़ों को पर्दे पर सच कर दिखा देते हैं जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। मूवीज़ में एक सबसे पॉपुलर कैटेगरी है हॉरर मूवीज़ की, जिनमें भूत या वैम्पायर जैसे मिथ कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता था हमें एंटरटेन और डराने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ बढ़ते हुए वैज्ञानिक नज़रिए और टेक्नोलॉजी के इस युग में लोगों ने इन टॉपिक्स पर मूवीज़ देखना कम कर दिया था, क्योंकि अब लोगों के बीच स्काईफाई जैसी मूवीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। इसलिए इन हॉरर मूवीज़ को दोबारा से लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए इन मूवीज़ के निर्माताओं को एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी जो लोगों के बीच इन मूवीज़ को दोबारा से पॉपुलर कर सके। उन्हें एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी जो इन मूवीज़ को डरावना तो बनाए, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच भी लगे। और इसीलिए उन्होंने पुरानी कहानियों से एक कैरेक्टर को सामने लाया जिसका नाम था ज़ोंबी। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर रही है, और आपने कभी ना कभी उन मूवीज़ को ज़रूर देखा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ोंबी शब्द का मतलब होता है एक चलती फिरती बिना दिमाग वाली जिंदा लाश। वैसे तो इन कैरेक्टर्स को हम मूवीज़ में देखते हुए सिर्फ एंटरटेन ही होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स हमारे इस रियल वर्ल्ड में शुरू हो जाए, और अगर मैं आपसे कहूं कि ज़ोंबी एपोकलिप्स फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि इस पर यूएसए के एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सीडीसी प्रिवेंशन ने अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने ज़ोंबी एपोकलिप्स के फ्यूचर में आने की संभावनाओं के बारे में बात की थी। और इसमें उन्होंने ज़ोंबी एपोकलिप्स के समय कुछ इमरजेंसी एक्शंस के बारे में भी बात की थी। पर यह ज़ोंबी एपोकलिप्स शुरू कैसे होगा, क्या कारण होंगे जो फ्यूचर में ज़ोंबी एपोकलिप्स को शुरू कर सकते हैं, तो इसका कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस हैं जो ज़ोंबी एपोकलिप्स को फ्यूचर में शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने वाला हूं जो फ्यूचर में ज़ोंबी एपोकलिप्स को शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्यूचर में ज़ोंबी एपोकलिप्स के शुरू होने का एक सबसे बड़ा और पहला कारण है ड्रग्स। आज के समय में ड्रग्स का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि जे सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। आज मार्केट में इतने खतरनाक और भयंकर ड्रग्स आ चुके हैं जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। ड्रग्स जैसे कि पीसीपी जो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो इंसान किसी पर भी हमला कर सकता है, उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वो दूसरे इंसानों को खा भी सकता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन एंड डोपामिन जैसे केमिकल्स को इफ़ेक्ट करता है और हमारे ब्रेन के केमिकल्स रिएक्शन को इनक्रीज़ करता है, जो किसी को भी एग्रेसिव बना सकता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो इंसान को एक पागलपन की हद तक पहुंचा देता है। कुछ ड्रग्स की वजह से हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरिटल लोब के डैमेज होने का खतरा भी होता है, और अगर हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, तो इसकी वजह से एक इंसान अपने भाई बहन या माता पिता को भी मार सकता है। एंड पैरिटेबल लोब के डैमेज से हमारी बॉडी में सेंसेशन ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही आपको गोली लगने का कोई एहसास होगा और ना ही किसी चोट का दर्द फील होगा। इन ब्रेन डैमेजेस की वजह से इंसान में कुछ ऐसे लक्षण सामने आते हैं जो एक इंसान को एक ज़ोंबी बना देते हैं।
और वैसे भी ड्रग्स की वजह से ह्यूमन बॉडी में वायरसेस और डिसीज से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी वायरस बहुत ही कम समय में ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नई और ख़तरनाक बीमारियाँ। आज का युग मेडिकल साइंस का युग कहलाया जाता है, लेकिन फिर भी आज बहुत सी बीमारियाँ ऐसी है जो बहुत ही ख़तरनाक तो है, बल्कि उनका इलाज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। कुछ समय पहले किसने सोचा था कि एड्स या इबोला जैसे वायरस भी हो सकते हैं, जिनसे इफ़ेक्ट इंसान की मौत 100% पक्की है। आज हर एक साल में 2 या 3 ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं जो इंसानों की जान ले सकती हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता पॉल्यूशन और गंदगी। क्या पता किसी दिन ऐसा भी वायरस सामने आ जाए जो किसी इंसान को जॉम्बी में बदल दे। आज के पोल्यूशन और गंदगी की वजह से वायरसेस और ख़तरनाक बैक्टीरियाज की ताकत तो बढ़ ही रही है, तो क्या पता कि आगे जाकर रेबीज जैसे बैक्टीरिया की ताकत ही इतनी बढ़ जाए जो इंसानों में जॉम्बी एपोकलिप्स शुरू कर दे। और वैसे भी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की वजह से इसे पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है नैनो टेक्नोलॉजी। मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। साइंटिस्ट बीमारियों को रोकने और ह्यूमन लाइफ को बढ़ाने के लिए नए नए एडवांस तरीके ईजाद कर रहे हैं, और फ्यूचर में तो और भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिनमें से एक है नैनो टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल साइंस को एक नई दिशा में मोड़ देगी। इस नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नैनोबोट्स यानी छोटे छोटे रोबोट्स बनाए जाएंगे, जिनका साइज 10 से 9 नैनोमीटर तक होगा, जिनको स्पेशली ह्यूमन डिसीज और ख़तरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए ही बनाया जाएगा। इन्हें नसों के जरिए ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर ख़तरनाक वायरसेस और डेंजरस बैक्टीरियाज को ख़त्म करेंगे। लेकिन सोचो तब क्या होगा अगर ये आपके दिमाग तक पहुंच जाए और आपके ब्रेन को ही डैमेज कर दे, तो इस बार भी वही इफ़ेक्ट सामने आएंगे जो आपको पहले रीजन में बताए थे, जो आपको बिल्कुल जॉम्बी में बदल देंगे। या फिर तब क्या होगा अगर इन नैनोबोट्स की वजह से कोई आपके ब्रेन को कंट्रोल कर ले। फ्यूचर में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं जिन्हें बनाया तो इंसान की भलाई का सोचकर ही जा रहा है, लेकिन उनके बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ, जिसमें ज़ोंबी एपोकलिप्स शुरू होने के वो रीज़न बताऊँगा जिनमें US गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपने ज़ोंबी प्रिपरेशन रिपोर्ट में दर्ज किया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब तक वो वीडियो नहीं आती आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।